हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता धन्यवाद। जी, जो आपने बताया ना, भगवान का जब हम दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के जैसे हमको अच्छा लगता है ना, तो मुझे ना भगवान के मतलब आकर्षक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है। तो हम कौन से कैटेगरी में आएंगे, जैसे आपने भक्तों की बताया ना, ऐश्वर्य और दूसरा, तो मतलब मुझे उनका मतलब ये नहीं अच्छा लगता है जैसे गहने वैसा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लगते, सुंदर लगते हैं। राधा रानी भी बहुत सुंदर लगती है, भगवान भी। तो ऐश्वर्य वाला है क्या मेरा जो दर्शन का है भाव? भगवान के जो भी गहने होते हैं, कपड़े होते हैं, या जो भी श्रृंगार होता है, उसका दर्शन करना चाहिए। अच्छी बात है। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो नख से लेके शिख तक बोलते हैं, एक एक चीज को निहारना चाहिए, भगवान के हर चीज को निहारना चाहिए। पर भाव ये होना चाहिए कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। हम भी ऐसा पहनते, हम भी ऐसा श्रृंगार करते, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हम भगवान को ऐसे सजाते, ये भाव होना चाहिए। हम भी भगवान को, जैसे कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जब मैं आपको बताती हूँ, भक्ति में जब मैं आई थी शुरुआत में, तो पढ़ते हैं हम जब प्रभुपाद की बुक्स को, तो वैराग्य होता है, अरे ये दुनिया में क्या रखा है, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हम तो आत्मा है, ऐसा हम पढ़ते हैं, तो ऐसा ही थोड़ा वैराग्य होता है। तो हमने क्या किया, सारा जितने हमारे पास साड़ियाँ थी, सब सब हमने किसी को दे दिया, और सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहनने लग गई मैं, खरीद करके, सिंपल वाली, एकदम सस्ती वाली, बहुत सारी सफ़ेद साड़ियाँ खरीद ली, दो चार पाँच, अब यही पहनना है। तो वो तो अचानक का भाव था, वो परमानेंट नहीं होता, वो क्षणिक होता है। तो वैसा भाव पैदा हुआ। फिर मुझे कुछ भक्तों ने बताया, हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं, ये सब मत करिए, जो आपको पहनने की इच्छा है वो पहनिए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो मेरा भाव हुआ था, वो मुझे भी पता है वो टेम्पररी भाव था, वो परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो फिर मैं सोची कि ये जो कुछ लोग पूछते भी हैं, बोलते भी हैं, अरे आप भक्त हैं तो आपको सादा रहना चाहिए, मतलब आप क्यों कलरफुल इतना पहनते हैं, या श्रृंगार क्यों करते हैं, या भक्तगण जो होते हैं ना, बहुत सारी माता जी आईब्रो बनाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, आँखों में काजल लगाती हैं, बहुत गहने पहनती हैं, तो इतना क्यों करना है, जब भक्ति में आ गए तो सब त्याग देना चाहिए, ऐसा भी बहुत लोगों का विचार होता है, सोचते हैं ऐसा। तो फिर मैं जब भगवान के लीलाओं को पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, गोलोक धाम के बारे में सुनती हूँ, राधा रानी को देखती हूँ, गोपियों को देखती हूँ, सब श्रृंगार देखती हूँ, वो जो राधा रानी वस्त्र पहनती हैं, गोपियाँ वस्त्र पहनती हैं, भगवान पहनते हैं, बलराम जी पहनते हैं, उनके गोप सखा पहनते हैं, वो अपने आप नहीं पहनते हैं, वैसा सारे भक्तगण शास्त्रों को पढ़ के, और श्रृंगार जो भगवान करते हैं वास्तव में, वही श्रृंगार उनको कराते हैं भक्तगण, ऐसा भगवान का श्रृंगार होता है, वास्तव में होता है वैसा श्रृंगार भगवान का, और जो गोपियाँ उन वो भी श्रृंगार करती हैं, तो जो यहाँ के भक्तगण होते हैं वो उनको श्रृंगार वैसा कर देते हैं, कपड़ा गहना सब पहना देते हैं। तो मैं सोचने लगी, अच्छा तो गोलोक धाम में तो सब कुछ है, गोपियाँ कलरफुल पहनती हैं, भगवान कलरफुल पहनते हैं, पुष्प लगाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मणियाँ होती हैं जिनसे वो जिनका वो हार पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, कलरफुल फूल होते हैं, कलरफुल पत्थर होते हैं जिनसे उनके शरीर पर श्रृंगार होता है, तो हम क्यों सादा सादा सफ़ेद सफ़ेद पहनने लग जाएं? भगवान आप हमको गोलोक धाम में वही सेवा दीजिएगा, मुझे आपके घर को सजाना है, मुझे आपके वार्डरोब को सजाना है, मुझे आपके श्रृंगार के स्थान पे सेवा दे दीजिएगा, मुझे आपके ड्रेसिंग के स्थान पे सेवा दे दिया, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है कलरफुल कलरफुल सब कुछ सजाने में, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, आपके बेड को सजाने में, आपके गहने कपड़े इत्यादि को सजाने में। तो ये मैं सोचने लग गई कि अरे हम ये वैरागी बाबा की तरह क्यों रहे, गोलोक धाम में क्या सब 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 लोग सफ़ेद पहनते हैं?
गोलोक धाम में क्या सब लोग सैफरन पहनते हैं? ऐसा नहीं है। गोलोक धाम में भगवान बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, गोपियाँ बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती हैं, कलर्स है, विविधता है, श्रृंगार है, बहुत सुंदर बगीचा है गोलोक धाम में, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, झरना है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। तो हम ऐसा वैरागी क्यों बने? लेकिन हमारा ये भाव, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मेरा ये भाव होता है कि हमें वहाँ पे रहना है जहाँ भगवान का सब मैनेजमेंट करना है, यानी कि भगवान के वस्त्र, भगवान के गहने, भगवान का बेड, भगवान का सिंहासन, उस सजाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो भगवान आप हमको वैसी सेवा दीजिएगा वहाँ पर, या राधा रानी या भगवान या गोपियाँ जो भी देंगे सेवा। तो ऐसा भाव मैं रखती हूँ अपने लिए। तो मेरे कहने का मतलब, भगवान के चीज़ों से आकर्षित होना गलत नहीं है, पर भाव ये होना चाहिए कि हमें उसमें दासी बन के सेवा करना है, ना कि हम भोगने लग जाएं, हम सुंदर वस्त्र पहने, हम बहुत सारा गहना पहने, हमको बहुत सुविधा मिले, वो भाव होगा तो फिर वो ऐश्वर्य से आकर्षित हो गए, मतलब ऐश्वर्य मुझे चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मगर मुझे भगवान को सजाना है, ये भाव हो तो कोई दिक्कत नहीं है।